गाइस वेलकम टू ट्रेंडी अनबॉक्सिंग। तो आज मेरे पास है सनफीस्ट का ये पी पास्ता ट्रीट। पर आगे बढ़ने से पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो ये है सनफीस्ट का ये पी पास्ता ट्रीट। पास्ता की खासियत ये है कि इसमें टमेटो और चीज मिले हुए हैं। ये पैकेजिंग एक वाइब्रेंट तरीके से इन्होंने बनाई हुई है और साथ ही साथ इन्होंने अट्रैक्टिव कलर्स भी यूज किए हुए हैं। ये जो इन्होंने इमेज यूज की हुई है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगी मुझे, इसलिए जब मैंने ऑनलाइन देखा तो तुरंत इसके पैकेट मंगवा लिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उधर भी जाकर खरीद सकते हो। इधर इन्होंने दिया हुआ है 100% सूजी। ये फ्राई किया हुआ नहीं है और इसमें मैदा भी नहीं है। सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये एक सोर्स है प्रोटीन का। इधर आप देख सकते हो कि इन्होंने ग्रीन डॉट दिया हुआ है, विच इंडिकेट दैट दिस इज वेजिटेरियन प्रोडक्ट। और इन्होंने इधर स्पेशल मेंशन किया हुआ है पास्ता सॉस मेकर इनसाइड। इस पैकेट में आपको पास्ता ही नहीं बल्कि इसका सॉस मेकर भी मिल जाएगा। नीचे इधर इन्होंने पर सर्व 30 ग्राम दिया हुआ है, 5.5% कैलोरीज, 110 kcal, 2.6% saturated fat, 0.6 gram, 0.8% trans fat, 0.02 grams, 0.4% added sugars, 0.2 gram, 16.8% sodium, 336 milligram. इनके हिसाब से ये calculated based on reference daily energy intake value of 2000 kcal है। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को 2000 kcal लगता है। So based on that इन्होंने ये calculate किया हुआ है और हमें provide किया हुआ है। तो इसका फ्रंट पैकेजिंग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि पीछे की तरफ इन्होंने क्या दिया हुआ है। पीछे की तरफ इन्होंने फिर से अपनी कंपनी का नाम दिया हुआ है सनफीस्ट टीपी। आई अब अदर फ्लेवर्स वेज मसाला चीज साग क्रीम अनियन। सो इधर भी इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट का जो मौका मिला है वो नहीं छोड़ा है। इन्होंने अपने अदर प्रोडक्ट्स भी ट्राई करने के लिए हमें बताया हुआ है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टोव टॉप मेथड। अगर आपको ये गैस पर बनानी है तो इन्होंने इधर मेथड दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम फर्स्ट बार कंज्यूम करने के लिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं चलता कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हमें कैसे कंज्यूम करना है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें एक वाइब्रेंट गाइडेंस मिलने के लिए हमें मेथड भी प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ पास्ता पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट्स पर भी मैन्युफैक्चर देता है, क्योंकि उन्हें कंज्यूमर्स कैच करने होते हैं और अपना ये प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचाना होता है, सो दैट कंज्यूमर्स उनका प्रोडक्ट कंज्यूम कर सके। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने मेथड में क्या दिया हुआ है। टेक 230 ml 1.5 कप अप्रोक्सीमेट ऑफ वाटर एंड ब्रिंग इट टू बॉइल। मतलब आपको 1.5 कप पानी लेना है और आपको वो प्रॉपरली बॉइल करना है। ओपन बैग एंड ऐड पास्ता टू सॉस मेकर, 1.5 टेबल स्पून ऑफ बटर ऑप्शनल। आपको उस पानी में ये पास्ता जो इन्होंने दिया हुआ है वो ऐड करना है और बाद में सॉस मेकर भी डालना है। सॉस मेकर इसके साथ ही मिलता है। एंड थर्ड इन्होंने दिया हुआ है कि आप इधर 1.5 टेबल स्पून बटर डाल सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल है बटर खाने में। अगर आपको बटर पसंद नहीं है मिल्क प्रोडक्ट तो आप ये जो बटर इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो अवॉइड भी कर सकते हो। कुक फॉर 7 to 8 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम स्टरिंग कंटिन्यूसली। आपको 7 to 8 मिनट के लिए ये पकाना है गैस पर और बीच बीच में और आपको कंटिन्यूसली ये स्टर करना है, सो दैट जब आप स्टर करोगे तब ये नीचे से जलेगा नहीं। अलाउ पास्ता टू स्टैंड फॉर 1 or 2 मिनट्स विद लिड ऑन। आपको उस यूटेंसिल पर लिड ढकना है। आपको बाद में गैस बंद करनी है और उसके ऊपर लिड रखना है 1 to 2 मिनट के लिए और आपका डिलीशियस पास्ता रेडी है खाने के लिए। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तब आप माइक्रोवेव में भी ये प्रोडक्ट पका सकते हो। माइक्रोवेव मेथड इन अ लार्ज माइक्रोवेव सेफ डिश टेक 225 ml 1.5 कप ऑफ वाटर एंड 1.5 टेबल स्पून बटर ऑप्शनल। आपको ये माइक्रोवेव डिश लेना है और उसमें 1.5 कप पानी डालना है और साथ ही साथ 1.5 टेबल स्पून आपको बटर डालना है। ये बटर इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। स्टर इन द कंटेंट ऑफ पैक पास्ता एंड पास्ता सॉस मेकर। आपको ये कंटेंट, ये जो अंदर का कंटेंट है वो उस पैन में खाली करना है और उसमें ये जो पास्ता है वो आपको उस पैन में डालना है और साथ ही साथ सॉस मेकर भी डालना है। कुक फॉर 8 to 10 मिनट्स ऑन हाई स्टरिंग ओकेजनली इन बिटवीन। सो आपको ये कुक करना है 8 to 10 मिनट्स के लिए और बीच बीच में इसको स्टर करना है। स्टर थॉरली एंड अलाउ पास्ता स्टैंड फॉर 1 or 2 मिनट्स विद लिड अप। तो आपको इधर ये जो सेम इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं गैस पर और माइक्रोवेव पर वो एंडिंग तो सेम ही है। स्टर थॉरली एंड अलाउ पास्ता टू स्टैंड फॉर 1 or 2 मिनट्स विद द स्टर करने के बाद
आपको थर्ली स्टर करना है और उस पर लीड ढकना है और बाद में डिलीशियस पास्ता इज रेडी, आपका पास्ता रेडी है सर। नूने नीम तो इधर इन्होंने नाम के नीचे मेंशन किया हुआ है कि ये एक प्रोप्रिएटरी फूड है, इंस्टेंट पास्ता विद सॉस मेकर। इंग्रेडिएंट इधर इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो कि ये इंग्रेडिएंट लिस्ट इंटरेस्टिंग बनाता है। ये एक छोटा सा यूटेंसिल जिस पर लिखा है व्हाट्स इन इट, ये जो दिया हुआ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़नी है तो आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर उसके नीचे जस्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कंटेंस वीट सोय मिल्क में कंटेन नट्स, मतलब ये वीट सोय और मिल्क कंटेन करता है और साथ ही साथ कंटेन कर सकता है नट्स को भी। क्यूआर कोड टू एंजॉय ईपी पास्ता इन मोर देन वन एक्साइटिंग वे, इधर इन्होंने जो क्यूआर कोड दिया हुआ है उस पर आप अगर स्कैन करोगे तो आपका तो आपको ईपी के और भी रेसिपीज मिल जाएंगे जो आप ट्राई कर सकते हो। इधर रेफरेंस के लिए इन्होंने टाकोस पास्ता और पास्ता चीज बॉल दिया हुआ है। अगर आपको ये नॉर्मल तरीके से पास्ता नहीं खाना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया, पर अगर आप चाहते हो कि हम ये रेसिपीज ट्राई करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम जरूर ट्राई करके देखेंगे। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर कुछ कंप्लेन है इस प्रोडक्ट के बारे में तो इन्होंने इधर एक एड्रेस मेंशन किया हुआ है और साथ ही साथ इधर अपने ईमेल आईडी भी दी हुई है अलॉन्ग विद फोन नंबर। द नेट वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 65 ग्राम, सो इसका नेट वेट है 65 ग्राम। द एमआरपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 28 रुपीज, पर मैंने ये प्रोडक्ट 28 रुपीज में खरीदा नहीं था, मुझे ये प्रोडक्ट ऑफर में मिला था और मैंने एक ही पैकेट परचेज नहीं किया था, बहुत सारे पैकेट परचेज किए हुए थे। अगर आप ऑफर पे ले रहे हो तो आपको ये प्रोडक्ट थोड़ा सस्ते में पड़ेगा, Amazon पर या फिर Flipkart पर ऐसे ऑफर्स कई बार होते हैं। इधर उसके नीचे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डेट एज वेल एज एक्सपायरी डेट भी मेंशन की हुई है और साथ ही साथ जस्ट उसके नीचे बैच नंबर भी दिया हुआ है। देख सकते हो कि इन्होंने न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, एडेड शुगर, टोटल फैट, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, प्रोटीन, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कंज्यूमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर को कोलेस्ट्रॉल होता है और बाद में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता है। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक हद तक है तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने वाली चीज़ें वो कंज्यूम नहीं कर सकता है, उस वक्त उसे हेल्प करता है ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का चार्ट। कुछ प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप इधर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़कर ये प्रोडक्ट खरीदने का डिसाइड कर सकते हो या फिर खरीदने का स्किप कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो कि इधर इन्होंने FSSAI का लाइसेंस नंबर दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट मार्केटेड बाय है ITC लिमिटेड से एज वेल एज उनके मैन्युफैक्चरर भी है ITC लिमिटेड। इधर इन्होंने इनका सेपरेट लाइसेंस नंबर भी मेंशन किया हुआ है। यू हैव टू स्टोर दिस पैकेट इन अ कूल, ड्राई एंड हाइजीनिक प्लेस, डू नॉट बाय द पैक इफ फाउंड टेम्पर्ड विद। आप अगर ये प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीद रहे हो और ये प्रोडक्ट इधर फटा हुआ है तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना है क्योंकि ये प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है। तो जानते हैं मैंने ये प्रोडक्ट क्यों खरीदा है। बेसिकली मुझे एक अच्छा क्वालिटी का पास्ता चाहिए था अलॉन्ग विद सॉस मेकर। रिसर्च किया तो मुझे सनफीस्ट का ये भी पास्ता मिला, सो मैंने ये पास्ता खरीदा। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। आपको इस पैकेजिंग से पता ही चल गया होगा कि घर टमाटो और चीज इन्होंने यूज किया हुआ है पास्ता में। मुझे ये चीज काफी अट्रैक्ट हुई और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये भी पास्ता ट्राई करना ही है। मैंने ऑलमोस्ट 10 पैकेट खरीदे हुए थे। ऐसा नहीं कि मैं आपको इसका डायरेक्टली रिव्यू दे रही हूँ, पर मैंने ये ट्राई करके देखा है और उसके बाद ही मैं ये प्रोडक्ट आपको रेकमेंड कर रही हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वो बेल आइकॉन भी प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तब तक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता जाएगा कि हमने वीडियोस डाल दिए हैं और आप हमारे वीडियोस को फर्स्ट देख सकोगे।